नमस्कार दोस्तों, Redmi Note 11 Pro सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर दो फोन है। पहला फोन है Redmi Note 11 Pro और दूसरा है Redmi Note 11 Pro Plus। दोनों फोन काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन प्राइसिंग कहीं ना कहीं दोनों फोन का बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और विशेषकर हम बात करने वाले हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में। देखो यह एक 4G फोन है और आपको बाय करना चाहिए फिर नहीं, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन है ये काफ़ी अच्छे लेवल का स्मार्टफोन है। इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। जैसे अगर हम बात करें डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले इसमें सुपर एमलेड है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 360 का टच सैंपलिंग है और 1200 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और DCI-P3 कलर गैमेट के साथ आता है। तो डिस्प्ले में आपको कहीं भी कंप्रोमाइज देने को नहीं मिलेगा, डिस्प्ले अबव द लेवल का है। उसके बाद इसमें देने को मिलता है 108 MP का कैमरा सेटअप और इसमें है 5 mAh का बैटरी और 67 W का चार्जर बॉक्स में दिया जाता है। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन है Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन का। तो स्पेसिफिकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसेसर का, इसमें लगा हुआ है मीडिया का हीलियो G96 जो कि एक 4G प्रोसेसर है। और दोस्तों, Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन जिस प्राइजिंग में आता है उस प्राइजिंग में कोई भी बाय नहीं करना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो प्राइजिंग है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं अगर प्राइजिंग को बताऊँ तो यहाँ पर जो 6128 का ब्रेंड है इस पर डिस्काउंट करने के बाद का प्राइजिंग है 18,000 रुपये और 8128 का ब्रेंड है इस पर डिस्काउंट को ऐड करने के बाद का प्राइजिंग है 20,000। तो प्राइजिंग कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो कुछ दिन पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था Realme 9 Pro सीरीज, जिसके अंदर दो फोन था। पहला था Realme 9 Pro और दूसरा था Realme 9 Pro Plus। तो Realme 9 Pro स्मार्टफोन है उसमें आपको देखने को मिलता है LCD डिस्प्ले और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वह इसी के आसपास का है। लेकिन हम उसके प्राइजिंग की बात करें तो उसका प्राइजिंग कहीं कम है और वह एक 5G फोन है और उसके अंदर 8 5G बैंड है। कुछ स्पेसिफिकेशन के मामले में Redmi Note 11 Pro अच्छा हो सकता है लेकिन Realme 9 Pro स्मार्टफोन काफी बेटर है, बिकॉज 5G फोन है और प्राइजिंग कहीं ना कहीं कम है Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन से। बिकॉज यहाँ पर जो 6128 का ब्रांड है सेम प्राइजिंग में आपको देने को मिलता है या फिर इससे कहीं कम प्राइजिंग में देने को मिलता है Realme 9 Pro स्मार्टफोन, जो कि काफी बेटर हो सकता है। तो अगर आपको डिस्प्ले और चार्जर में कंप्रोमाइज करना है तो आप जो है Realme 9 Pro स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। उसमें हर एक एंगल से स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा है लेकिन डिस्प्ले LCD है और देखने को मिलता है 33 W का डार्ट चार्जर। बस यही दो प्रॉब्लम है Realme 9 Pro के साथ, लेकिन जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, 5G आने ही वाला है तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है 5G फोन ही बाय करना चाहिए और उसमें 5G के बैंड भी अच्छे खासे हैं और देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको जो है 4G फोन नहीं बाय करना है, विशेषकर Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन पर पैसा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इससे कहीं कम प्राइसिंग में आपको देखने को मिल सकता है Realme 9 Pro स्मार्टफोन। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो आने वाला होली का सेल, तो होली के सेल में आपको जो है और भी कई सारे स्मार्टफोन हैं जो आपको काफ़ी कम प्राइसिंग में देने को मिल सकता है और कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि काफ़ी कम प्राइसिंग में देने को मिलता है अक्सर ही। जैसे अगर हम बात करें तो Realme का X7 Max हो गया या फिर Realme का GT Master Edition हो गया और भी कई सारे फ़ोन हैं Realme के जो कि मिड रेंज के फ़ोन होते हैं, उसका प्राइसिंग सेल के दौरान काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो डिस्काउंट वाला फ़ोन बाय करना चाहिए, न कि ये फ़ोन। तो बस आज के शुरू में यही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।